Welcome to Raw Perfect Classes. My next topic is multiplying a monomial by a binomial or polynomial or trinomial. Now, first example is given here 5x and 2x plus 5. अब इस example में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास जो 5x है, it's in the form of monomial and 2x plus 5 is given in the form of binomial. अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट स्टेप में आपने क्या लिखना है? 5x मल्टीप्लाई 2x प्लस 5 इस फॉर्म में लिखना है. फिर उसके बाद 5x मल्टीप्लाई 2x, यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है. फिर एक्सप्रेशन नेक्स्ट साइन क्या है? प्लस का. देन अगेन 5x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5x मल्टीप्लाई बाई 5. अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और x सेम बेस है तो पावर क्या होगी, x की पावर 2 बन गई, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को प्लस किया तो कितना बन गया, 2 बन गया. तो ये हमारे पास क्या आ गया, 10x2. नाउ नेक्स्ट क्या है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, तो यहाँ पर आ गया 25x. तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हो. एक और मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इस एक्सप्रेशन में हम मोनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखो यहाँ पर कितने ऑपरेटर साइन है, 2, दैट मींस के ट्राइनोमियल है. तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सेम वे 3p मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 4p² प्लस 5p प्लस 7, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए. अब 3p को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, या तो आप इसको सेपरेट लिख लें या यहीं पर कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लीजिए. पहले मैं इस एक्सप्रेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, मल्टीप्लाई 4p², फिर मेरे पास कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन डाल दिया, 3p, फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे इस एक्सप्रेशन को, सेकेंड वाली टर्म के साथ, 3p मल्टीप्लाई 5p. फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन को थर्ड वाली टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस का साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस का साइन ही गिवन है, कोई और साइन नहीं गिवन है. 3p मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे. अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, यानी कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 12, 4p इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो कितनी होगी, p³ हो गया, प्लस फिर 3 5 15 होता है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो कितनी होगी, पावर 2 हो गई यहाँ पर, p² प्लस 7 3 21, या 3 7 21, सेम थिंग 21p. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई मल्टीप्लिकेशन के बाद. नाउ नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, जिसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है और फिर उसको ऐड भी किया जा रहा है. तो पहले मैं क्या करूँगी, फर्स्ट स्टेप में इनको ऐसे लिखेंगे, 5m 3 - m. तो हमने स्टेटमेंट को लिखा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए. कैसे सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, साथ में क्या लिखा है, m, फिर साइन कौन सा है, माइनस का, यहाँ साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस माइनस, फिर इस टर्म को पूरे को 5m के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 5 का 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है, 5 1 5, m को m से मल्टीप्लाई किया तो m सेम है, तो बेस सेम होने के कारण पावर क्या होगी इनकी, प्लस. इतनी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास. अब क्या करो, इस एक्सप्रेशंस को, इस एक्सप्रेशन में आपने क्या करना है, 6m² - 13m को प्लस करना है. तो प्लस करने का मैंने आपको वे बताया ही हुआ है, कैसे करोगे, लिखोगे आप पहले 15m - 5m², अब प्लस 6m² वाली टर्म के नीचे 13m के जो है वो -13m प्लस 15m के नीचे आ जाएगा, क्योंकि सेम टर्म्स है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, सीधा सम प्लस करेंगे 15 में से 13, बट साइन क्या है, ऑपोजिट साइन है, तो माइनस करेंगे, 15 में से 13 गए 2m आ गया यहाँ पर, 6 में से 5 गए 1, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 6 हमारे पास से ग्रेटर अमाउंट है, इसके आगे प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस का साइन डाल दीजिए, और यहाँ पर क्या आ गया, m². तो ये हमारे पास ऐसे आप एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस. थैंक यू.